हम जो जैकपॉट क्वेश्चन आपको दिए थे, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया था और कुछ बच्चों ने कहा था सर इसका जो है सॉल्यूशन करा दिया करिए, तो उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना था आपको। इसमें पूछा था कि केज, ठीक है, केज को कोड किया गया 24 से, तो आपको बताना क्या था, इस कोड को जो लिखा है इसका बताना था कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, आप जब केज को लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। इसकी नंबरिंग कर लो, प्लेस वैल्यू जो मैंने बोला सब कुछ इसमें प्लेस वैल्यू ही है कोडिंग में। तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 7 होगा, ये 5 होगा, 12 3 15 और 1 16, यहाँ आएगा इसका सम जो होगा टोटल, इन सबको ऐड करने पर 16 आ रहा है। मगर लिखा क्या है उसने, 24 लिखा है। तो भैया 16 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें तभी तो 24 होगा। तो 8 जुड़ा, इसका मतलब हर एक लेटर में दो दो वैल्यू का इंक्रीमेंट, मतलब जितने लेटर उतने इंटू 2, 4 लेटर हैं, 4 में अगर 2 का गुणा कर दें तो हम 8, तभी तो 8 आएगा ये, तो ये आपका जुड़ा है उसमें। वैसे ही अगर देख लें क्या उसी लॉजिक पे ये फॉलो कर रहा है और जो ऑप्शन दिया है क्या उससे मैच कर रहा है, बस ये आपको देखना होता है। इसमें देख लें तो ये 1 पे, ये 2 पे, 1 पे, ये 4 पे, ये 9 पे, ये 4 पे, ये 5 पर और 1 पे, सभी को जोड़ दो तो इसका जो सम आएगा वो 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा और आपका आंसर भी 27 में है। मगर 27 तो हमें चाहिए नहीं, जैसे यहाँ पे सम आया 16, उसमें 8 हुआ ऐड, तब जाके 24 आया। उसी तरह से अगर 27 आया है तो जितने लेटर हैं इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लेटर हैं, 8 लेटरों में हर एक में दो वैल्यू बढ़ेगी, तो 8 2 16 आपको क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 16 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यही इसका 43 आंसर था जो ऑप्शन बी में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, जो स्टार्ट करेंगे हम टॉप आपका टाइप वाइज 4, पहला टाइप जो आप देखते हैं टाइप 4, इसीलिए T4 लिखा हुआ है यहाँ पे, T4 मतलब टाइप 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें एक वर्ड दिया है टेबल क्लॉथ और इसका कोड कर दिया गया है इस लेटर से, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अब पूछ रहा है होटल का कोड क्या होगा, ये बहुत सिंपल ही होता है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जितने यहाँ लेटर हैं उन्हीं से ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा, यहाँ से पूछेगा, ठीक है। देखो H है तो H भी यहाँ मिल जाएगा, O भी इसी में मिल जाएगा, T भी इसी में मिल जाएगा, E भी मिल जाएगा, L भी मिल जाएगा, मतलब जिससे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इसी में से मिल जाएगा। और इसका कोड पहले से किया कर दिया गया है, तो जो कोड कर दिया गया है तो उसी लेटर का कोड हम उठा लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। चलो देख लेते हैं, पहले है H लेटर, तो H कहाँ है, यहाँ पे है लास्ट में, तो लास्ट का ही जो लेटर होगा वही उसका कोड होगा, तो T से शुरू होना चाहिए हमारा जो ऑप्शन, T से शुरू होना चाहिए, तो कौन सा होगा भाई। देखो ये तो ऑप्शन T से शुरू नहीं है, ये ऑप्शन T से शुरू नहीं है, तो कौन से ऑप्शन T से शुरू है, ऑप्शन C और B, ठीक है, ऑप्शन C और B शुरू है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों T से शुरू है, O देख लेते हैं, O चाहिए हमें, O कहाँ है, इधर से तीसरे लेटर पे है, तो तीसरा लेटर इसका इधर से भी कोड होगा आई, तो O का कोड क्या होगा भाई, O का कोड I होगा, O का कोड I होगा, देखो I कहाँ है सेकंड लेटर में, इसमें तो है नहीं, तो ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन B क्या होगा, सही होगा। तो ये सिंपल सा होता है ये क्वेश्चन, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं आपको इन्हीं में से ढूंढ के उसके आंसर बताने होते हैं, जिसका भी आंसर B आया हो सब सही हो। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसका आ जाए आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी। ये भी T4 मतलब टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हर एक में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी है, ऐसा नहीं है एग्जाम में UP SSC ने इसे इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है, आसान सा क्वेश्चन होता है, एक बार में लग जाता है। फायर को कोड किया गया है 2357 में, मेल को कोड किया गया 8794 में, और फियर का पूछ रहा है, मतलब ये जो फियर आपका वर्ड निकाला है ये कहीं ना कहीं इससे और इससे आपका मेल से मिला के लेटरों से बनाया गया है, जितने जो लेटर इसमें यूज हुआ है, जो लेटर इसमें यूज हुआ है उन्हीं लेटर का यूज करके ये फियर बनाया गया है, तो इसका मतलब कि जो लेटर वहां से उठाएगा उसी लेटर का हमें कोड भी उठाना पड़ेगा। तो जैसे हम देखें यहाँ पे FIRE, तो फायर में क्या है आपका 2357, ठीक, तो 2357, और इसमें मेल में क्या है MEAL 8794,
और यहाँ पे आपका फियर पूछ रहा है एफ ई ए आर, तो सिंपल सा है, एफ का तो पहले कोड टू आएगा तो एफ टू से शुरू होना चाहिए, दो से शुरू होना चाहिए, तो दो से तो हमारा ऑप्शन ऐसा सेट किया इतना आसान कि दो से एक ही ऑप्शन हमारा शुरू हो रहा है, वो कौन सा ऑप्शन बी है, तो ऐसे निकाल लोगे तुरंत आ जाएगा। ई देख लो, ई कहाँ है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो जो कोड ई इसका होगा, देखो ये लास्ट लेटर है तो ई का सात है, वही यहाँ भी है ई का सेवन, तो ई का सेवन ही होगा। ए का देख लो, ए कहाँ मिलेगा, ए यहाँ मिल रहा है मील में, तो ए का कौन सा मिल रहा है, नाइन मिल रहा है, तो नाइन ही होगा इसका। और आर का क्या होगा, आर यहाँ पे है देख लो, तो ये फाइव होगा, तो यहाँ फाइव होगा, तो वही 2795। ये ऑप्शन ऐसा सेट था कि आप सिंपल ही एक एफ का पता चल जाता, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी टी फोर टाइप है, मतलब टाइप फोर है। इसमें देखो क्या बोलता है कि करेक्टर को ये लिखा गया है, चिल्ड्रन को ये लिखा गया है 2485960, जिसका आंसर आ जाए तुरंत कमेंट करो। हीरा लाल को पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, जिसका भी आ जाए आंसर कमेंट करो हीरा लाल। अब हीरा लाल का कोड क्या है, देखो भाई जितना इसमें यूज होगा लेटर वो सब इन दोनों से मिलके बना होगा, जैसे एच यहां मिल गया आपको, एच यहां मिल गया, ठीक, दूसरे नंबर का करेक्टर है एच, तो दूसरे नंबर में क्या यूज हुआ, दोनों के लिए चार यूज हुआ, इसका मतलब एच का कोड क्या होगा, एच का कोड चार होगा, चार से शुरू होना चाहिए, सब चार से शुरू है भाई। देख लेते हैं दूसरा लेटर, दूसरा लेटर क्या है, आई है, आई हमारा कहां है वो देख लेते हैं, देखो भाई यहां पे इस वाले में तो कहीं आई है नहीं, इस वाले में है, इस वाले में तीसरा लेटर आई है, तो तीसरा लेटर ही इसका कोड होगा, तो तीसरा लेटर आठ है, तो क्या होना चाहिए, एच के बाद चार के बाद आठ होना चाहिए, चार के बाद आठ किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में है, सिंपल सी बात है, इन दोनों ऑप्शन में है। तो अब देख लेते आगे आर क्या होगा, आर देखो किसमें है, एक दो तीन चौथे लेटर है ये, चौथा लेटर इसमें, इसमें तो आर, यहां पे लास्ट से तीसरा लेटर, तो लास्ट से तीसरा देख लो, या तो तीसरा छह या इसमें चौथा लेटर देख लो, एक दो तीन चौथा लेटर देख लो, तो दोनों में छह ही छह मिलेगा आर का कोड, तो आर का कोड क्या होगा, छह होगा, तो 486 होना चाहिए, तो 486 इसमें भी है, 486 इसमें है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, ए देख लेते हैं, ए तीसरा लेटर है इधर से, इधर से तीसरा लेटर, तो इसमें भी तीसरा देख लेते हैं, तीसरा ये ए का कोड होगा, तो ए मतलब वन होगा, ए का मतलब कोड यहाँ वन किया गया है, तो 4861 अभी भी यहाँ पे सेम मिल रहा है, यहाँ पे 5 आपका मिल रहा है, यहाँ तक तो सेम ही है दोनों में, लास्ट में बदला है 15 और, तो लास्ट में ही देख लेते हैं ना, लास्ट में हमारा क्या है, इसमें एल पूछा है, एल कहाँ है भाई, देख लो एल कहाँ है आपका, यहाँ है एल लेटर, एल कितने पे है, एक दो तीन चौथे लेटर पे है, तो चौथा लेटर हमारा क्या होना चाहिए, पांच होना चाहिए, मतलब एल का कोड क्या होना चाहिए, पांच होना चाहिए, एल का कोड पांच, मतलब लास्ट में पांच होना चाहिए, यहां देखो लास्ट में वन है, तो ये वाला होगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंपल सा है ये भी, ये आपका क्या है, उसी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का, इसे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि इसमें आपको कॉमन कोड जो होता है वो पहचानना होता है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जो कॉमन होते हैं उनके कोड निकालने होते हैं आपको, तो ये लेटर टू सिंबल में है और उसी में से कॉमन आपको ढूंढना है, जैसे ट्रेंड है, जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर लो, ट्रेड है, ट्रेड को क्या किया गया, 7% हैश 94, ठीक, और उसके बाद पी आर ई वाई को क्या कोड किया गया, डॉलर परसेंटेज हैश 8, और पूछ क्या रहा है, आर्टरी, ये आपसे कोड पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए का कोड कहां है भाई, देखो यहां से 9 निकल आएगा, आर चाहिए, आर कहां पे, परसेंटेज होना चाहिए, फिर टी चाहिए, तो टी पे क्या होना चाहिए, यहां पे देखो टी पे 7 होना चाहिए, तो ये क्या है, पहले किससे बोला, 9% 7 देखो कहां आएगा, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ये होगा नहीं ऑप्शन, 9% 7 इसमें है, 9% है सही इसमें, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो 9% 7 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, और ई का क्या होगा, ई यहां से मिल जाएगा हैश, देख लो, फिर आर परसेंटेज में आ जाएगा, और वाई कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया सी। तो ये जो आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत आसान आसान आते हैं इसमें। चलो अब आते हैं इसमें टाइप फाइव में, T5 से मैंने इसे डिनोट किया, ये टाइप 5 है आपका। इसमें क्या होता है आपका कि वर्ड को कोड किया गया था, नंबर से पूरा पूरा एक वर्ड होता है उसे कोड किया गया, जैसे 481 को लिखा गया स्काई इज ब्लू,
इसी का यूज करके आपसे डाटा सफिशियंसी में यूपी ट्रिपल एससी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है। जब हम डाटा सफिशियंसी पढ़ेंगे तो इसी में आपको दो स्टेटमेंट दे देगा, इसको पहला बोल देगा, इसका सेकंड बोल देगा, और पूछेगा कि इनमें से किसी का अगर पूछ दिया कि सी का अगर कोड निकालना है तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर देने के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था। तो जब हम उस टाइप के क्वेश्चन इससे फ्रेम करेंगे जब हम डाटा सफिशियंसी पढ़ेंगे, उसी में हम आपको बताएंगे। क्योंकि डाटा सफिशियंसी क्या है रीजनिंग में, वो सभी चैप्टर, चाहे वो डिस्टेंस डायरेक्शन हो, आपका ब्लड रिलेशन हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, जितने भी चैप्टर होते हैं सबका मिक्स करके, चाहे वो क्लॉक हो चाहे कैलेंडर हो, मिक्स करके वो डाटा सफिशियंसी बनाता है। ठीक है, तो जब तक हम पूरा ये पढ़ लेंगे जब सब, तब वहां पे हमारा दिमाग और अच्छे से काम करेगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे 481 को स्काई इज ब्लू लिखा है, 246 को सी इज डीप लिखा है, 698 को सी लुक्स ब्लू लिखा है। आपसे कोड किसका पूछ रहा है, सिंपल सा ब्लू का कोड पूछ रहा है। तो आप देखोगे पहले क्या करोगे, जहां ब्लू है जिस जिस स्टेटमेंट में उसको कंपेयर कर लो। जैसे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेटमेंट में बता दूं आपको, तीन स्टेटमेंट दिए हैं। तो ब्लू किस में है, देखो ब्लू इसमें है, ठीक, और किस वाले में है, फर्स्ट वाले में, पहले में और थर्ड में है, तीनों को कंपेयर कर लो। तो इसमें और क्या है, स्काई इज ब्लू और सी लुक्स ब्लू, इसमें और कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज कॉमन है, ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कॉमन है, इसका मतलब इधर कोड भी इनमें कॉमन होना चाहिए कोई, मतलब 481 में और 698 में एक चीज कॉमन होना चाहिए, है कॉमन, कौन सी चीज कॉमन है भाई, 8 कॉमन है, इसका मतलब 8 का मतलब क्या हो गया, ब्लू हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ऐसे आता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी कौन सा होगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें भी आपको कॉमन ही ढूंढना है उसमें से, जो भी आपका, जैसे पहला ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये दूसरा मान लो इसे, अब इसमें जो स्टेटमेंट आपको कॉमन, जो भी संख्या कॉमन मिल जाए पहले उसे, उसका कोड ढूंढ लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमसे पूछा क्या पूछा है, हाउ, हाउ यहाँ पे है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। तो ये आर है यहाँ पे और यहाँ पे यू, इसे हम सर्कल से कर दें, ठीक है, तो ये भी सर्कल से कर देना है। उसके बाद से क्या है, यू है, ये देखो, इसका मतलब दो इसमें कॉमन होगा कोई ना कोई कोड, अब ये पता नहीं कौन सा होगा। जैसे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है कोड में, अगर हम आए यहाँ पे देखें तो कौन सा कोड कॉमन होगा, ठीक, तो कॉमन में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो PO आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है TO, इसका मतलब U और R का कोड जो होगा या तो PO में से कोई होगा या तो TO में से होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। U का मतलब या तो PO होगा या तो TO होगा, या R का PO या तो TO होगा, ये कन्फर्म हम बता नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन किसका एग्जैक्ट होगा, मगर इन्हीं दोनों में से कोई किसी का होगा, ये पता चल गया। तो आपसे PO और TO तो यहां से कैंसिल हो गया, बचा क्या, को और हा, और यहां पे आपसे दो चीजें कैंसिल हो गई, R और U, बचा क्या आपके पास, हाउ और ओल्ड। हाउ का पूछा है तो हाउ और ओल्ड, हाउ और दो बचा, और इधर कोड भी आपके पास दो बच रहा है, क्या बच रहा है, को और हा। अब इसमें भी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कौन किसका होगा, क्योंकि अब यहां कोई भी लेटर इसमें मैच नहीं खा रहा है, कि ताकि उससे पता चल जाए और सेपरेट हो जाए कि किसी का एक कोड सिंगल होगा, ठीक। तो इसीलिए इस दोनों में से कोई भी कोड इसका हाउ का हो सकता है, चाहे ओल्ड का भी अगर पूछता आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम भी यही कहते हैं कोई हा में से ही कोई एक होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन सी जो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, को या हा, दोनों में से कोई एक हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसे देख लो, इसमें थोड़ा सा ये कर लो करेक्शन, 5, 4, ये 3 रहेगा, यहां 2 और ये 1, ठीक है। ये आपसे कोड किया गया है, ये भी उसी टाइप में से क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि किस टाइप से इसमें कोडिंग चल रही है। सिंपल सा है, गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को कोड किया गया बाय 5 के बाद फाइनेंस, फिर 4, फिर गुड, फिर 3, फिर मिनिस्टर, फिर 2 और स्पीच और 1 लिखा हुआ है। इसी तरह पूछ रहा है एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप को कोड करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो जो ये 5, 4, 3, 2, 1 का जो सीक्वेंस चल रहा है वही चलना चाहिए इसमें। तो ये तो पहले ऑप्शन से नेग्लेक्ट कर लोगे कि 5, 4, 3, 2 वाला ही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखो 5, 4, 3, 2, 1 इसमें भी है, 5, 4, 3, 2, 1 इसमें भी है, ये 3 है।
5 4 3 2 1 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो एक ऑप्शन सिर्फ डी आपका खत्म हो गया, बाकी दो ऑप्शन सी में सब में वही चल रहा है सीक्वेंस। दूसरा कहां दिमाग लगाना है आपको, दूसरा ये लगाना है कि अब अल्फाबेट्स वाले जो है जैसे ये वर्ड है वो किस हिसाब से अरेंज है, जैसे इसमें ये यहां से इस, क्योंकि जितने वर्ड इसमें यूज हुए हैं बाय स्पीच उसी से ये कोड किया गया, बस रीअरेंज है, अपना पोजीशन चेंज किया है, तो वो किस हिसाब से हुए उसे अगर हम देखें तो ये बी है, ये पहले यहां आया है बाय वाला, अगला हमारा क्या है फाइनेंस आया है, तो उसके बाद ये आया है, उसके बाद से क्या आया जी आया है, तो जैसे यहां चलोगे तो इसका पहला लेटर बी है, इसका पहला लेटर एफ है, इसका पहला लेटर जी है, उसके बाद एम है, मतलब एक अल्फाबेट सिक्वेंस में है, ठीक है, पकड़ में कहां आ गया यहां पे कि अल्फाबेट सीक्वेंस में पहले बी आता है अल्फाबेट्स में, तो बी, उसके बाद सी डी ई एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच आई जे के एल एम आई एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे चले जाओगे, मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस एक अल्फाबेट्स में अरेंज किया गया है, तो हमें वही ढूंढना है, क्योंकि ये नंबरिंग वाला तो पता चल गया 5 4 3 2 1 ही होगा, मगर अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा देख लो, ये ए से शुरू है तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए, कौन कौन है इस ऑप्शन में ए से शुरू, कोई नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंबल एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए यही सही होगा। ए के बाद क्या होना चाहिए, ई वाला ऑप्शन होना चाहिए, अब ई में दो है, एक ई एक्स से शुरू हो रहा है, एक ई यू से शुरू हो रहा है, तो डिक्शनरी के ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, पहले ई यू वाला आएगा, उसके बाद ई एक्स आएगा ना अरेंज करने में, तो पहले ये यूरोप आएगा, तो देखो यूरोप है, उसके बाद एक्साइटेड, फिर एच आएगा ई के बाद, फिर आई आएगा, तो अरेंज है पूरा डिक्शनरी अरेंज में, ठीक है, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज था, और नंबरिंग क्या थी आपका, ये 5 4 3 2 1 चल रहा था, ठीक, तो इससे हम सीक्वेंस पकड़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें भी आपको सिंपल कॉमन निकालना है, उसके बाद से उन सभी का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोड बताना है आपको, ठीक, तो इसमें बोला वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएट को कोड किया है NUTARROG में, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे UP SSSC में ऐसे ही, ठीक है, एग्जाम में वहां सिंगल एक क्वेश्चन देता है, जैसे ये इसमें बैंक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब तीन या चार देगा, UP SSSC क्या करता है इतना सब कुछ देगा तीन, उसके बाद से डाटा सफिशियंसी पूछ लेगा, इसी में तीन स्टेटमेंट बना देगा इसको, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, और आपसे बोलेगा कि पहला, उसके बाद से सीधे यहां पे आ जाएगा रिस्क आल्सो लार्ज का कोड निकालना है, तो कौन सा सफिशियंट है कौन सा नहीं सफिशियंट है, और ऐसे भी अगर डायरेक्ट पूछता है आपसे तो डायरेक्ट में क्या करेगा, एक क्वेश्चन आपसे दिखाएगा, जैसे सिंपल 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ देगा कि इसका कोड क्या होगा, ठीक, इसे ऐसे डायरेक्ट तीन नंबर क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछता है तो, इसीलिए लेंदी पड़ जाता है। अब देखो, अब इसमें निकालना कैसे है, सिंपल सा, इसमें जो जो कॉमन हो उसे निकाल लो, जैसे वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएट को यहां कोड किया गया, अभी हमें पहला क्वेश्चन देखना है कि हमें किसे किसे रिस्क चाहिए, आल्सो और लार्ज का कोड चाहिए, तो हम देख लेते रिस्क कहां है, पहले रिस्क कहां कहां है, रिस्क यहां है, यहां है, सर्कल से हम कर देते हैं, उसके बाद से और कहां है रिस्क, रिस्क यहां है फोर्थ वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में रिस्क है नहीं, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में है, तो इसका कोड भी इन तीनों में सेम मैच खाना चाहिए, तो देख लेते हैं तीनों में भाई कौन सा कोड ऐसा है जो तीनों में आया है, जैसे यहां पे NU है, NU है, ठीक है, उसके बाद से यहां NU है, हां है, देखो यहां भी NU है, यहां भी NU है, और यहां भी NU है, ठीक, इसका मतलब ये रिस्क ही ऐसा है, बाकी और कोई आल्सो डैमेजिंग, ये देखो ये तीनों में नहीं है, ये यहां है, यहां नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक, एक रिस्क ही ऐसा है जो आपके चारों में, इसमें एक, पहला, सेकंड और फोर्थ, तीन स्टेटमेंट में मिल रहा, और तो तीनों में इनका कोड भी सेम मिलना चाहिए, तो यहां पे देखो एक NU है, इसमें है भी है और इसमें भी है, तो रिस्क का कोड तो यहां से पता चल जाएगा, रिस्क का क्या क्या होगा, NU होगा, लो इसे भी हम सर्कल कर देते हैं, ठीक। अब अगला क्या हमारा है, ऑल्सो और लार्ज पता करना है, देखो ऑल्सो कहां कहां है, यहां है, इसे घेर दिए ट्रायंगल में और इसे भी घेर दिए हम ट्रायंगल में, ऑल्सो, ठीक, अब इन दोनों में और कहीं ऑल्सो है क्या, यहां देख लो, इसमें नहीं है और किसी में नहीं है, इन्हीं दोनों से हमें ऑल्सो का पता चल जाएगा, तो इसमें और क्या कॉमन होगा,
इसमें और कोई चीज दोनों में कॉमन दिख रही है? इज डेट एसोसिएटेड, कोई चीज नहीं कॉमन दिख रही, सिर्फ ऑल्सो के अलावा। इसका मतलब सिंगल इनमें कोई एक कॉमन कोड होगा, कौन सा है देख लेते हैं। डी आई इसमें नहीं है, वाई यू नहीं है, एफ यू है सिर्फ दिख रहा है। इसका मतलब एफ यू क्या है? ऑल्सो का कोड है। तो एफ यू क्या है भाई? ऑल्सो का कोड है, ठीक है, ऑल्सो का कोड हो गया। तो दो का तो मिल गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? एफ यू एन यू होना चाहिए जिस इस ऑप्शन में हो। एफ यू एन यू देखो इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं ऑप्शन होगा, और एफ यू एन यू इसमें है। अब हमारे पास तीसरा क्या बच रहा है? लार्ज बच रहा है, ठीक है, लार्ज वाला। अब लार्ज किसमें है भाई देख लेते हैं, लार्ज किसमें किसमें है? यहां देखो, यहां लार्ज है, ठीक है, और कहां है लार्ज? इसमें देखो लार्ज कहीं है? नहीं है। इसमें कहीं लार्ज नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें रिस्क का कोड हो चुका है, वेरी का कोड। अगर हम इसे स्क्वायर में कर दें, ये देखो वेरी और वेरी, ठीक है, तो यहां वेरी और रिस्क दो चीज कॉमन था। रिस्क का तो हमें पहले से कोड पता चल गया है, वेरी का कोड पता करना है क्योंकि और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो वेरी का क्या होगा? देखो इसमें और इसमें और कौन सा एक कॉमन कोड मिल रहा है एनयू को छोड़ के? देखो जीआई मिल रहा है, तो जीआई क्या हो जाएगा आपका? जो जीआई होगा वो किसका हो जाएगा? वेरी का कोड हो जाएगा। हमें पता किसका करना है? लार्ज का पता करना है। अब देखो यहां लार्ज बचा है, यहां एसोसिएटेड बचा, ठीक, और एसोसिएटेड और कहां है? देखो एसोसिएटेड यहां है, ठीक। तो इसमें और इसमें पहले वाले में कंपेयर कर लें और थर्ड वाले में कंपेयर कर लें तो हमें एसोसिएटेड का कोड मिल जाएगा क्योंकि और तो कुछ हमें चाहिए नहीं वहां से, तो एसोसिएटेड का कोड हमें चाहिए ये वाला, ठीक है, एसोसिएटेड का। तो इसमें और इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। देख लो इसमें एसोसिएटेड है, इसमें है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? देखो टी ए है, एम आई है, पीओ है, एफ यू है, तो टी ए एम आई सिर्फ टी ए खाली एक कॉमन मिल रहा है, तो एसोसिएटेड का कोड क्या होगा? टी ए, एसोसिएटेड का कोड हो जाएगा टी ए, ठीक। ऐसे ही पता चल गया कि एसोसिएटेड का टी ए है, सभी का कोड पता चल गया, तो लार्ज का कोड क्या होगा? आर ओ, सिंपल सी है। पहले वाले में सभी का कोड पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, एसोसिएटेड का भी पता चल गया, तो बचा क्या? लार्ज। तो यहां भी जो बचेगा वो क्या बचेगा? आर ओ, तो लार्ज का कोड क्या हो जाएगा? आर ओ, ठीक। तो बस एफ यू एन यू हमें मिल ही गया था, आर ओ चाहिए था कि इसमें नहीं है, पीई है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इसमें क्या करते हैं, सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उनमें से कॉमन देख लेते हैं कौन कौन सा कॉमन है, उसको अलग अलग अपना लिखते चले जाते हैं कि एफ यू का ऑल्सो हो गया, रिस्क का एन यू हो गया, जी आई का वेरी हो गया, एसोसिएटेड का कोड टी ए हो गया, और लार्ज का कोड आर ओ हो गया, बस हमें मिल गया। अगले में पूछ रहा है वेरी का कोड क्या होगा। देखो वेरी यहां निकाले थे हम, वेरी का कोड क्या है? जी आई। वेरी का कोड क्या है? जी आई। तो यहां से आसानी हो गया, इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन आता है कि एक ही साथ जब एक बार पूरा निकाल लोगे तो एक ही साथ तीन चार क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? जी आई हो जाएगा। अगला आपसे क्या पूछा है इसी में, एसोसिएटेड का कोड, एसोसिएटेड का भी हम निकाल दिए थे, क्या होगा भाई? टी ए होगा। देख लो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इतनी आसानी से एक बार उस पर मेहनत करना है आपको, सभी का अलग अलग कोड ढूंढ लेना है, उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछ रहेंगे आसानी से आपके आंसर निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये टाइप सिक्स है आपका। इस टाइप से भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने काफी पूछा है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी रिसेंट एग्जामों में पूछा है। बोल रहा है पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, तो घास का रंग कैसा होता है? ठीक है, घास का रंग पूछा है, तो जानते हो सभी लोग ग्रीन होता है, तो ग्रीन हरा होता है मतलब, तो हरा तो यहां दिख रहा है ऑप्शन में, ये नहीं हरा मार देना कि घास का रंग हरा होता है। हरा को उसने किस भाषा में कोड किया? बोला ना हरा को सफेद कहा जाता है, यहां पे देखो। अब ये नहीं कि उसका एक सर्किल बना लेना कि सफेद को काला कहा जाता है, यहां तक नहीं जाना है, जो सिंपल सा पूछा है घास का रंग हरा होता है, तो हरा का कोड क्या किया गया है? हरा का कोड सफेद से किया गया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सफेद। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसने काफी पूछा है, तो ऐसे पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का है। इसमें भी देखिए क्रिकेट को, फुटबॉल को क्रिकेट से कोड किया गया है, क्रिकेट को बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल को बैडमिंटन से, बैडमिंटन को
वॉलीबॉल से या वॉलीबॉल को हॉकी से कोर किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा खेल ठीक गेंद के साथ नहीं खेला जाता, कौन सा ऐसा खेल है जिसमें गेंद का प्रयोग नहीं होता है। देखो फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, वॉलीबॉल में भी जो है बॉल का प्रयोग होता है, एक आपका किसमें नहीं होता है, बैडमिंटन में नहीं होता है। ठीक, तो वही हो रहा है कि यहाँ पे बोला कौन से खेल में गेंद का प्रयोग नहीं होता है, बैडमिंटन का। तो बैडमिंटन किससे कोड किया वो देख लो, यहाँ बोला ना बैडमिंटन को वॉलीबॉल, बैडमिंटन को क्या कोड किया गया, वॉलीबॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में ये आपका जो है टाइप 7 है, ये आपको जो मैंने बताया था ये है आपका कंडीशनल बेस्ड कोडिंग। कंडीशनल बेस्ड कोडिंग कि आपको कोड दिया रहेगा, यहां ए ई आई ओ जो भी लिखा है यहां पे एल एम पी एस, उसके कोड लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इसके कोड है। उसके बाद उसके साथ कंडीशन लगा दिया है, शर्तें हैं 1 2 3 कंडीशन है। ठीक है, तो आपको ऐसे कोडिंग मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो दिया होता है क्वेश्चन उसके बाद से उसको कंडीशन जो दिया होता है उसको देख के आपको आंसर निकालना होता है। जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कर देना इसका आंसर क्या होगा। ए डबल पी एल ई का एप्पल का पूछ रहा है, तो पहले क्या करें इसके शर्त जो लिखा है कंडीशन जो लगाया है उसे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, वोवेल है, पहला और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर आपका क्या है वोवेल है तो आपका दोनों का कोड क्या होगा, डॉलर होगा। ठीक, दूसरा कोड आपका शर्त क्या रखा है, कंडीशन क्या है कि यदि दूसरा अक्षर स्वर हो मतलब वोवेल हो और तीसरा अक्षर व्यंजन हो, ठीक, तो एक ही कोड प्रयोग में लाया जाएगा, दोनों को संयुक्त रूप से एट द रेट ठीक है आपका एंड से कोड किया जाएगा। अगर दो आपका दूसरा अक्षर स्वर हो और तीसरा अक्षर व्यंजन हो तो आपका दोनों को जो कोड किया जाएगा वो एंड से किया जाएगा। और थर्ड क्या बोल रहा है आपका, अगर यदि पहला अक्षर व्यंजन हो ठीक है और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों का कोड किससे किया जाएगा, हैश से किया जाएगा। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है जो तीनों में बोला है और उसके बाद से आपको आंसर निकालना है। तो पहला आपसे पूछा है एप्पल का कोड क्या होगा, तो एप्पल में देखो हमें किस पे दिमाग लगाना, पहले कंडीशन के हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट दिया है पहला लेटर और लास्ट लेटर, ठीक, तो पहला लेटर हमारा क्या है यहां पे वोवेल है और लास्ट लेटर भी क्या है वोवेल है, तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है इसमें है भाई, तो उस पर मैं क्या होगा दोनों को डॉलर से कोड किया जाएगा। इसका मतलब कि पहला वाला डॉलर होगा और लास्ट वाला डॉलर होगा, ठीक है, एप्पल में ये ई है ये ए है, ये डॉलर होगा ये डॉलर होगा, बाकी बीच वाले के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि दूसरा अक्षर अगर स्वर हो और तीसरा अक्षर व्यंजन हो, दूसरा अक्षर आपका क्या स्वर हो तो ऐसा है नहीं दूसरा, और तीसरा दोनों के दोनों क्या है व्यंजन ही है, तो अब दूसरा कंडीशन हमारा इसमें फॉलो नहीं किया। तीसरा देख लें कि यदि पहला व्यंजन हो और लास्ट वाला आपका क्या हो स्वर हो तो ये तो है ही नहीं, दोनों क्या है हमारे पहला और लास्ट क्या है दोनों स्वर है, तो ये इसमें कौन सा सेटिस्फाई किया इस क्वेश्चन में, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, उस हिसाब से सिर्फ दोनों का डॉलर हो जाएगा और बीच में जो होंगे लेटर उनको हूबहू ऐसे कोड कर दिया जाएगा। जैसे डबल पी एल ई डबल पी एल, तो डबल पी मतलब पी का कोड कितना है 8 है, यहां पे ये कोड ही बता रहा है इसका, तो 8 8 आ जाएगा ठीक है, और एल का कोड क्या है इसमें, एल का कोड 6 है तो यहां 6 हो जाएगा, तो डॉलर डबल 86 डॉलर डॉलर डबल 86 डॉलर, ये ऑप्शन सी में मैच खा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन होता है ये कंडीशन बेस्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है एस पी ए आई ई को कंडीशन बेस्ड ही है, उसी में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कोड क्या होगा इसका, जिसे आ जाए आंसर तुरंत कमेंट करो। देखो यहां पहले क्या है एस, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर पहले ही देख लो, ये तो आपका क्या है व्यंजन है और लास्ट वाला क्या आपका स्वर है, तो ये किस पे सेटिस्फाई कर गया, देखो पहला अक्षर व्यंजन हो अंतिम अक्षर स्वर हो, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें ठीक है। तो ये दूसरा क्या बोल रहा था कि दूसरा अक्षर आपका स्वर हो, तो दूसरा तो स्वर है नहीं, तो ये सेकंड वाला कंडीशन करेगा नहीं और पहला वाला करेगा नहीं,
तो इसमें थर्ड वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ऐसा जब भी हो तो दोनों को किससे कोड किया जाएगा, हैश से कोड किया जाएगा। इसका मतलब है एस पी ए आई ई, तो ये दोनों तो पहले ही क्या हो जाएंगे, हैश हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें कौन से हैं, यहां पे है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों तो खत्म पहले ही। उसके बाद PAI, तो इसमें मतलब PAI का आपका जो भी कोड दिया है वो वही आप लिख लो। तो जैसे P का कोड क्या है, 8, तो 8 होगा। A का कोड क्या है, 1, 1 हो जाएगा। और I का कोड क्या है, I आपका 3 पे है, ठीक, तो ये I क्या हो जाएगा आपका, यहां 3 हो जाएगा। तो हैश 813 हैश, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर टाइप 8 है ये आपका, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये क्या मैट्रिक्स टाइप का, ये हमेशा आपको SSC में, ठीक है, 2018 से पहले पहले हर एग्जाम में SSC जो भी कराते थे उसमें पूछता था ये, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। जब भी इसका क्वेश्चन आता था, बच्चे जो फर्स्ट टाइम में एग्जाम देने जाते थे वो इसका स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा रहता था कि देख के इसे छोड़ देते थे, और लास्ट में एक वर्ड लिखा रहता था, कहता था इसका कोड निकालो। जैसे इसमें लिखा है टोयोटा, ठीक, इसका कोड निकालना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये जो है ये आपका पूरा का पूरा रो है, ये रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, ये कॉलम है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे R5, R6 है, R7 है, R8 है, R9 है। इसे हमेशा ऑप्शन से किया जाता है। अभी तक UP SSC के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं मिला है, मगर ये नहीं कह सकते हो कि हो सकता है ना आए। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा तो क्वेश्चन नए नए पुट करेगा, तो नए नए पुट करेगा मतलब कहां से, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में हुआ होगा, वो उठा के टीसीएस दे देगा आपको। तो इसलिए इस पर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि क्वेश्चन कैसे लगता है। बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिंपल से होते हैं सब, आसान से एक ही लॉजिक पे सभी लग जाते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन, सब ऑप्शन से करना होता है। इसमें लास्ट से हम चलते हैं ऑप्शन में। जैसे यहां बोला ए, यहां हमें ए लेटर चाहिए, और जो ये कोड आपका लिखा रहता है ना ये ऑप्शन में, ये जो ये वाला होता है ये कॉलम होता है, और ये जो होता है आपका रो होता है, मतलब पहले रो होता है उसके बाद कॉलम, मतलब ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम में बता रहा है वैल्यू, तो मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम में वैल्यू होना चाहिए ए, क्योंकि हमें लास्ट में ए ही चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो है ये, दूसरा कॉलम ये C2, देखो ये C2 है, तो यहां हमें यू मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में हम आए, तो तीसरा रो तीसरा होना चाहिए, और कॉलम कौन सा होना चाहिए, कॉलम हमारा 1 होना चाहिए। तीसरा रो पहला कॉलम, देख लो तीसरा रो पहला कॉलम C1 में आना चाहिए, तो C1 में हमारा क्या है, देखो ए है, चलो ये हम मान लेते हैं। इसमें अभी चांसेस हैं इसके आंसर होने के, क्योंकि इसमें ए आ रहा है। 4 और 2 में देख लें, मतलब बोला चौथा रो होना चाहिए, रो कौन सा, चौथा कॉलम कौन सा, 2, चौथा रो और दूसरा कॉलम, चौथा रो है और कॉलम कौन सा, दूसरा, देखो ये चौथा रो दूसरा कॉलम में ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी होगा हमारा आंसर में, चलो लाइन में लग जाएगा ये भी। लास्ट में 6, 9 को देख लें, छठवां रो और नौवां कॉलम, 6 रो होगा और 9 वाला कॉलम आपका यहां पे, ये 6 रो और 9 कॉलम की वैल्यू है ओ, ठीक है, तो यहां पे 6, 9 में ओ होगा, हमें चाहिए ए, तो यहां ओ आएगा, तो ये हमें चाहिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास बचा है 2 ऑप्शन, बी और सी में से कौन सा आंसर होगा, तो सी को देख लेते हैं। लास्ट वाले में 6 और 7 है, तो 6, 7 में हमें टी चाहिए, टी वैल्यू आना चाहिए। छठवां रो और 7वां कॉलम में हमें क्या वैल्यू आनी चाहिए, टी आनी चाहिए, तो छठवां रो ये है, 7वां कॉलम कौन सा है हमारा, ये है कॉलम 7 और छठवां रो ये है, तो देखो 6 रो और 7वां कॉलम 6, 7 में कौन सी वैल्यू आ रही है, टी आ रही है, ये सेटिस्फाई कर गया यहीं पे। और यहां 1, 6 में देख लें, 1 यहां है, 6 यहां है, तो इसमें दोनों में मैच ही नहीं खाएगा, जैसे 6 यहां पे वही नहीं है आपका, 4 तक पहले वाले मैट्रिक्स में सिर्फ 4 तक कॉलम है, उसके बाद 5, 6 यहां आ गया, तो 1, 6 में हमें चाहिए, तो वो हमें मैच नहीं करेगा वहां से, क्योंकि 5 के साथ ये मैट्रिक्स बना हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। सी हमारा खा गया, तो यहां पे ये ए होगा, ये टी होगा, तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही होगा। देख लो आगे 6, 9 में, 6, 9 में क्या है कि छठवां रो और 9वां कॉलम होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, तीसरा लेटर हमारा ओ है ना, तो तीसरा देखो ओ ही है, तो यहां ओ आ रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक, तो आज ये आपके पूरे पूरे 14 क्वेश्चन हो गए, हर एक टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। अब हम आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जैकपॉट क्वेश्चन जो है, आप लोगों को सभी को कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर बताना है।